चल चिंटू इधर आ। यस सर। चल इस मैथ्स के सवाल को सॉल्व करके बता। सर जी मेरे को नहीं आता, मेरी मैथ्स बहुत बेकार है। पचास पचास बार बोले पढ़ाई लिखाई करो, शकुंतला देवी जैसे बनो, लेकिन नहीं। सर जी आपने जो भी ये डायलॉग बोला मैंने कहीं सुना हुआ है। कहाँ सुना था? पचास बार बोले हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। ये तो मिर्जापुर का डायलॉग है सर जी। मिर्जापुरी घूमता रहता तेरे दिमाग में, पढ़ियो मत। तो दोस्तों 12वीं तक मुझे यही लगता रहा यार मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छे अच्छों को पागल कर सकता है, अच्छे अच्छों का मत्था खराब कर सकता है। लेकिन दोस्तों कल मैंने Amazon प्राइम वीडियो पे एक ऐसी माताजी का दर्शन किया, एक ऐसी शख्सियत का दर्शन किया भाई साहब, जिन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को भी यूं चुटकियों में हवा कर दिया भाई साहब, रफू चक्कर कर दिया। और मैं बात कर रहा हूँ दी लेजेंड शख्सियत शकुंतला देवी जी की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे को वीडियो में। कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे और आप कह सकते हैं हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे। किसकी? Amazon प्राइम वीडियो पे अभी लेटेस्ट मूवी रिलीज हुई है विद्या बालन की, जिनका नाम है शकुंतला देवी, जिन्होंने मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को अपनी उंगलियों पे डांस करवा डाला। इसको डांस करवा डाला तो लाइफ ठींगा लाला। हाँ तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम इस मूवी के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस मूवी के बारे में जानना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो चलिए बिना किसी फालतू ज्ञान के आइए इस इंटरेस्टिंग प्लस कॉमेडी वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों ये स्टोरी है एक ऐसी लड़की की जिसने बचपन में कभी स्कूल नहीं देखा, जो कभी इतनी स्कूल नहीं गई, लेकिन बचपन से ही उसके अंदर मैथ्स का इतना खतरनाक टैलेंट है जो 5 से 6 साल की उम्र में ही मैथ्स के इतने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस डिविजन्स देखते ही सॉल्व कर देती थी। और दोस्तों उस लड़की का यही टैलेंट उसको इंटरनेशनल कर देता है। जब वो बड़ी हो जाती है तो वो इंटरनेशनली जैसे लंदन, अमेरिका, इंग्लैंड जाके वो मैथ्स की क्विजेज या जो भी मैथ्स के शोज होती है करना शुरू कर देती है। और दोस्तों इस लड़की के अंदर बचपन से सिर्फ एक ही चीज की कमी होती है, आप कमी कह लो बुराई कह लो, वो आपके ऊपर है। तो दोस्तों होता क्या है कि ये लड़की बचपन से ही अपने पेरेंट्स को नापसंद करती है और ये सोचती है कि वो जिंदगी में कभी भी अपने पेरेंट्स की तरह तो बनेगी ही नहीं। तो दोस्तों वो लड़की और कोई नहीं शकुंतला देवी जी होती है। तो जब शकुंतला देवी जी अपने मैथ्स के टैलेंट के कारण बहुत पॉपुलर हो जाती है, वैसा बनता पैसा छाप रही होती है, तो उनकी एक कैलकटा के IAS के साथ शादी हो जाती है। और जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी एक लड़की होती है। लेकिन दोस्तों जो शकुंतला देवी जी की लड़की है वो उनके साथ वैसा ही बिहेव करती है जैसा कि शकुंतला देवी जी बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ किया करती थी। तो दोस्तों यहाँ से आगे स्टोरी है आप ही को देखनी है, मैं नहीं बताऊंगा, वरना आप कहोगे सब तो तूने ही बता दिया, हम क्या देखें छोला भटूरा। हाँ तो दोस्तों यहाँ से बड़े बड़े मेन मेन सस्पेंस रह जाते हैं। पहला सस्पेंस, ऐसी क्या वजह थी? हाँ थी, ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से जो शकुंतला देवी है अपने पेरेंट्स को नापसंद करती थी। दूसरा, शकुंतला देवी जी की लड़की जो शकुंतला देवी जी से ऐसा बिहेव करती थी। और तीसरा सस्पेंस, क्या इन सब प्रॉब्लम्स के चक्कर में शकुंतला देवी जी के मैथ्स के टैलेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपके सस्पेंस के कीड़े को जगा डाला, इसको लगा डाला तो झिंगा डाला। तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं एक्टिंग की। भाई साहब विद्या बालन ने क्या काम किया है, उन्होंने जिस हिसाब से तमिल करेक्टर और जब वो इंटरनेशनली जाके भाई साहब मॉडर्न बन जाती है ना, दोनों करेक्टर को जिस तरह से भाई साहब अपनाया है, जिस तरह से ग्रैब किया है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है। ऐसे लगते ही भाई साहब वो ओवर एक्टिंग कर रही है या बेकार लग रहा है या भाई साहब जज नहीं रहा यहाँ पे, भाई साहब एक एक चीज परफेक्ट, मजा आ जाता है जिनको देख के। और दोस्तों इस पिक्चर में आपको सानिया मल्होत्रा और अमित शाह भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सानिया मल्होत्रा की। सानिया मल्होत्रा ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया। आपने सानिया मल्होत्रा को बधाई हो पिक्चर में देखा होगा आयुष्मान खुराना के साथ, याद आया? हाँ तो भाई साहब सानिया मल्होत्रा ने विद्या बालन की डॉटर मतलब शकुंतला देवी जी की डॉटर का रोल किया है और बहुत ही बढ़िया रोल किया है यार। ऐसे भाई साहब उनकी भी नहीं लगी कि ओ
नहीं है, एक एक चीज भाई साहब उनको जो गुस्सा दिखाया गया है या थोड़ी एंजॉयमेंट दिखाई गई है ना, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और बात करें अमित शाह की, इस बंदे के बारे में तो भाई साहब बात ही नहीं करनी चाहिए। हर आती जाती मूवीज वेब सीरीज में ये बंदा दिखता है और भाई साहब अपना 101% देता है। और क्या भाई साहब एक्टिंग करता है ये बंदा। इस मूवी में भी अमित शाह ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। और अमित शाह का रोल इस मूवी में क्या है, वो शकुंतला देवी जी के दामाद का रोल निभाते हैं और बहुत ही बढ़िया निभाते हैं। तो दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स की। वैसे तो ये पूरी मूवी पॉजिटिव पॉइंट्स से ही भरी पड़ी है, लेकिन यार एक दो पॉइंट्स लगे यार मुझे यार ये नेगेटिव है, लेकिन अगर आप मूवी देखने बैठे हो ना तो इतना इग्नोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस मूवी के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट मुझे क्या लगा यार, विद्या बालन की एक्टिंग। उन्होंने जिस हिसाब से एक जीनियस की एक्टिंग, एक मदर की एक्टिंग और एक वाइफ की एक्टिंग करी है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है, आपको अट्रैक्ट करेगी वो चीज। और दूसरी चीज जो मुझे इस मूवी में पॉजिटिव लगी, तो भाई साहब इस मूवी में जो सीख दी गई है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये सीख। और दोस्तों बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की, तो दोस्तों इसमें नेगेटिव में सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं जो मुझे लगे। वैसे तो भाई साहब ये भी नहीं होने चाहिए थे, आप इनको इग्नोर कर सकते हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बताना। तो दोस्तों इसमें जो पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा यार, पहले तो मूवी स्टार्टिंग में थोड़ी ठीक चली, बीच में आगे थोड़ी स्लो हो गई, फिर भाई साहब एंड में ठीक चलती है, तो वहां पे लगा यार थोड़ा ये इसको भी तेज कर सकते हैं और थोड़ा और मूवी को शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो मुझे नेगेटिव लगा भाई साहब, इस मूवी के सॉन्ग्स मुझे तो पसंद नहीं आए, मुझे इतने जबरदस्त नहीं लगे इस मूवी के सॉन्ग्स। तो दोस्तों ओवरऑल शकुंतला देवी एक सुपर्ब मूवी है और आपको ये जरूर देखनी चाहिए और अपने पेरेंट्स के साथ भी देख सकते हो। इस मूवी में ना तो कोई गंदा सीन है ना तो कोई गाली गलौज है, तो आपको ये मूवी अपने पेरेंट्स के साथ जरूर देखनी चाहिए। और अगर आपने पहले ही देख ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस शकुंतला देवी मूवी का, आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई और आगे इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन किसके पास आए, आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।